आपको हम घुमा फिरा के भी क्वेश्चन नहीं कर रहे, जो आपने बोला, जो आपने हमको यहाँ में रिस्पॉन्स दिया उसको ही पूछ रहे थे। नहीं, इलीगल बोल के तो हम किसे बोलेगा, जो भी आता है हम लोग तो रिसीव करता है। टीचर्स का अपॉइंटमेंट होगा वो तो हायर अथॉरिटी करता है, उसमें इलीगल लीगल वो मैं नहीं जानते। एजुकेशन का जो भी आएगा लेटर लेके हमको अपॉइंटमेंट मिला है तो हम तो एक्सेप्ट करेगा ही, वो तो हम कैसे वेरीफाई करेगा, हाउ कैन आई वेरीफाई आवर हायर अथॉरिटी। आप खुद भी जानते हैं हम हायर अथॉरिटी को कैसे, नहीं नहीं मैम वो को हम नहीं दे सकता, ये सीधा बात है। नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। आप सभी ने देखा होगा सिंस 2021 हम लगातार इलीगल अपॉइंटमेंट्स जो एजुकेशन डिपार्टमेंट हुआ था उसको लेकर हम लगातार रिपोर्ट बना रहे थे और अभी तक हम फॉलोअप कर रहे हैं कह सकते हैं। उस बीच कह सकते हैं 2023 को मैसिव टर्मिनेशन किया गया था कंसर्न एजुकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा। इवन जो SIC है जो केस देख रही है उनके द्वारा भी कई लोगों को अरेस्ट किया गया, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। एंड देन फॉर्मर एलिमेंट्री डायरेक्टर थे उन्हें भी अरेस्ट किया गया था, अभी खबर आई कि वो बेल पे बाहर है। और मैं बता दूं कि उसी बीच में अप्रैल के महीने में हमें रिलायबल सोर्स से हमें इनपुट्स मिला था कि नामसाई डिस्ट्रिक्ट में भी कई लोगों को इलीगली अपॉइंटमेंट्स किया गया है, टीचर कहिए या फिर MTS नॉन टीचिंग स्टाफ। तो जिसको लेकर मैंने फर्स्ट वीक ऑफ मई में जो DDAC नामसाई है उनसे थ्रू टेलीफोनिक मैंने कॉल किया, हमने बात किया, तो मैम के द्वारा हमें कहा गया था कि आप रिटर्न में एप्लीकेशन सबमिट कीजिए DDAC ऑफिस नामसाई में, उसके बाद वो कुछ भी फर्निश कर सकती है। तो उसके बाद 6 मई 2024 को हमने कंसर्न ऑफिस में हमने सबमिट किया, क्योंकि मैं बता दूँ इस वक्त हम आए हुए हैं नामसाई डिस्ट्रिक्ट के नामसाई के DDAC ऑफिस में और मिनी सेक्रेटरीट में है, उनके चैम्बर के बाहर पे ही हैं। तो 6 मई 2024 को हमने सबमिट किया, कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। उस बीच में जून के महीने में हमारा यहाँ पे कुछ रिपोर्ट था तो हम यहाँ आए थे, उनसे मिले थे, उनको उन्होंने हमें टाइम मांगा। तो मैं बता दूँ फर्स्ट उन्होंने हमें भेजा था तो रॉन्ग एड्रेस पर भेजा था, उसके बाद 11 जुलाई 2024 को हमें पोस्ट ऑफिस से कॉल आया और हमने लेटर रिसीव किया। उसके बाद हमने देखा कि लेटर पे कह सकते हैं जो रिस्पॉन्स या फिर रिप्लाई जो DDAC नामसाई से जो आया है, मैं बता दूं कि मेरे 9 to 10 इयर्स के जर्नलिज्म करियर में मैंने सबसे शॉर्टेस्ट एक लाइन में रिस्पॉन्स मैंने पाया है, मैंने देखा है। और यहाँ पर सिंपली मैं कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी वो दिखाए ये जो लेटर है, ये रेस्पॉन्स लेटर है, रिप्लाई लेटर जो हमने रिसीव किया अरुणाचल टुडे टीम ने, जहां मैडम ने लिखा है टू सांगे ड्रामा एडिटर अरुणाचल टुडे अरुणाचल प्रदेश, सब्जेक्ट रिप्लाई ऑफ योर एप्लीकेशन, रेफरेंस नंबर जो हमने एप्लीकेशन सबमिट किया था उसका नंबर दिया है, डेट 6 मई 2024 का। तो यहाँ पर क्लियरली मैम के तरफ से रेस्पॉन्स आया कि मैडम विद रेफरेंस टू योर लेटर as cited above, I am unable to furnish or provide the details information of the individual bracket teaching and non-teaching. This is for your kind information, please. Yours faithfully, K.S. Umbom, Deputy Director of School Education, Namsai District, Namsai. तो इस तरीके का रेस्पॉन्स हमें आया था, इसीलिए आज हम यहाँ आए हैं ताकि उनसे हम सीधे जाने कि यहाँ पे, क्योंकि आपने भी देखा, मैंने भी पढ़ के सुना दिया कि यहाँ पे रीज़न नहीं दिया गया, वेरस उनके तरफ से ही हमें बताया गया था डायरेक्शन या फिर क्यों कह सकते उनके तरफ से ही प्रोसीजर बताया गया था कि रिटर्न एप्लीकेशन सबमिट कीजिए तब वो कुछ फर्निश कर सकती है, प्रोवाइड कर सकती है। जब हमने दे दिया तो इस तरीके का रेस्पॉन्स आता है, इसलिए हम सवेरे से यहाँ हैं। और मैं बता दूँ अभी जैसे मैंने कहा कि हम अभी भी उनके चैम्बर के बाहर ऑफिस के बाहर ही है, क्योंकि सवेरे करीबन 10 बजे से हम यहाँ हैं, लेकिन आज क्योंकि जो गेस्ट फैकल्टीज स्कूल के टीचर्स का भी इंटरव्यू था तो इसीलिए दिन भर उनका इंटरव्यू चला और दूसरे ऑफिसर्स भी आए हैं इंटरव्यू को लेकर, इसीलिए हमने दिन भर इंतज़ार किया। अभी ऑलमोस्ट 3 बजने को आए हैं, अभी भी वो अंदर है और आप सबको देखने के लिए ग्लिम्सेस हम डाल देंगे। सवेरे जब हम आए थे वो मैम का एटीट्यूड कैसा था मैं बताना चाहूँगी, और मैं बताऊँ अगर हम आप सबको हाईलाइट भी करें और अगर ब्रीफ में बोला भी जाए तो आप सबने हमारा रिपोर्ट देखा होगा, कई सालों से आप हमारे चैनल को फॉलोअप करते हैं तो आप सबने देखा होगा कि हम जब भी रिपोर्ट बनाते हैं विथ यू नो प्रूफ एंड ऑथेंटिसिटी हम बनाते हैं, तो इसलिए हमने ये प्रोसीजर फॉलो किया था ताकि यू नो एक अच्छा रिस्पॉन्स आएगा और उनके तरफ से
प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन जो डॉक्यूमेंट्स हैं हमें फर्निश या फिर प्रोवाइड किया जाएगा, बट वैसा कुछ नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं लगता है जो हमारे रिलायबल सोर्स के द्वारा हमें इनपुट्स दिया गया था कि DDAC नामसाई या फिर नामसाई डिस्ट्रिक्ट में भी जो इलीगल अपॉइंटमेंट्स हुआ है वो कहीं ना कहीं सच है ऐसा लगता है। ये आज हम जैसे भी जो कारण है क्यों उन्होंने हमें प्रोवाइड नहीं किया और क्यों नहीं कर सकते हैं, DDAC मैडम से ही हम जानेंगे। और वो जब तक हमें नहीं बताएंगे, मैं बता दूं आज हम DDAC ऑफिस मिनी सेक्रेटरी नामसाई को छोड़ के नहीं जाने वाले, क्योंकि जो इलीगल अपॉइंटमेंट हुआ है और एजुकेशन डिपार्टमेंट में हुआ है, और आप सब जानते हैं एजुकेशन अभी भी और उसका जो सिस्टम सिनारियो अरुणाचल प्रदेश का कैसा है, और कहीं ना कहीं ये जो सिस्टम है बच्चों का फ्यूचर से रिलेटेड है, और ये जो डिपार्टमेंट है ये हमारे अरुणाचल प्रदेश का जो प्रोग्रेस है या फिर कह सकते हैं फ्यूचर का जरिया है या फिर उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर अच्छा पढ़ाई नहीं होगा, अच्छा एजुकेशन सिस्टम नहीं होगा, तो आप समझ लीजिए कि हमारा प्रदेश या फिर हमारा जो हमारे जो बच्चे हैं वो कहाँ आगे जा सकते हैं। तो हमारे साथ बने रहे, हम इस बार आज के दिन में DDAC नामसाई से कारण तो हम पक्का जान के जाएंगे, या फिर उनसे हम सवाल सीधा पूछेंगे क्या जो हमारे रिलायबल सोर्स ने इनपुट्स दिया है इलीगल अपॉइंटमेंट्स जो नामसाई डिस्ट्रिक्ट में हुआ वो सच है क्या। आफ्टर 5 आवर्स अभी जो गेस्ट फैकल्टी टीचर्स का है उनका जो इंटरव्यू ख़त्म हो चुका है, एंड मैम यहाँ पे है, मैम से हम सीधा पूछेंगे। मैम ज़्यादा सवाल नहीं है, सीधा एक सवाल है जो आपने रेस्पॉन्स किया है एप्लीकेशन का कि आप फर्निश नहीं कर सकते हैं, प्रोवाइड नहीं कर सकते जो इन्फॉर्मेशन हमने मांगा है, क्यों नहीं कर सकते वो बता दीजिए। नहीं, हम लोग अगर ऑफिस से कुछ मांगता है तो हम लोग देता है, लेकिन सबको हम लोग नहीं दे पाएगा क्योंकि आजकल RTI का एक सेक्शन है, वहाँ से किसी का पर्टिकुलर नहीं देना है ऐसा टाइप का भी है, तो इसीलिए हम लोग नहीं दे रहे हैं। तो जब मैम आपको हमने फर्स्ट वीक ऑफ मई में थ्रू टेलीफोनिक बात किया था, मैम आपने बोला था कि रिटर्न में एप्लीकेशन लिख के दे दो तब दे देगा, तो इसका ऊपर मैं आपको क्या कहना। नहीं, उस समय में हम जस्ट बोल दिया था, हम भी इतना पर्टिकुलर नहीं होके सॉरी उसके लिए। नहीं, आपको और जो SIC से हर एक DDAC को 2023 में डिटेल्स मांगा था, आपने SIC को सबमिट किया नामसाई का अपडेट? नहीं, हम लोग का जो भी पर्टिकुलर्स गवर्नमेंट का तरफ से मांगता है हम सब देता है, उसमें तो हम नहीं बोलेगा कि नहीं देता है। हमारा जो भी नॉमिनल रोल हो, जो भी हो, पर्टिकुलर्स पूछेगा तो वो तो हम लोग देना ही है, देता ही है। क्योंकि फर्स्ट मिनट में जब आपको मिला था आपको हम इनपुट्स के बारे में हम सीधा बताया था ना मैम, आपको हमने बोला था कि यहाँ पे इलीगल अपॉइंटमेंट्स ऐसा कुछ हो रहा है, तो अपडेट मिला है इसके ऊपर हम क्या कहना है बोला था, तो आपने कहीं ना कहीं एक्सेप्ट किया था। मेरे पास में वॉइस रिकॉर्डिंग है, इसके ऊपर मैं अब क्या कहना, रिटेन में नहीं देने से भी आपका वॉइस रिकॉर्डिंग मेरे पास में। नहीं, इलीगल बोल के तो हम किसे बोलेगा, जो भी आता है हम लोग तो रिसीव करता है, टीचर्स का अपॉइंटमेंट होगा वो तो हायर अथॉरिटी करता है, उसमें इलीगल लीगल वो मैं नहीं जानते मैडम। नहीं मैम, आप नहीं जानते हैं, लेकिन आप क्योंकि DDAC है, डिस्ट्रिक्ट का हेड है आप एजुकेशन डिपार्टमेंट का, तो आपको भी पता होगा सिंस 2018 APSSB लग चुका है, PRT टीचर्स का, MTS का, विदाउट APSSB वहाँ कोई रेगुलर। मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा क्योंकि बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ था कि हम जो कंटीजेंसी कॉन्ट्रेक्चुअल को भी लेकर रिपोर्ट बना रहे हैं, ऐसा नहीं है, हम रेगुलर को लेकर बना रहे हैं। तो मैम को, मैम आप एज अ DDAC आपको पता नहीं है कि अरुणाचल में APSSB बोर्ड है? मैं ज्वाइन किया 20 में, उसका पहले क्या सर्कुलर आया वो मुझे भी मालूम। सर्कुलर नहीं मैम, अरुणाचल प्रदेश में एक अरुणाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड है जो CD ग्रेड का लोगों को रिक्रूटमेंट करता है, वो बोर्ड है बोल के आपको पता नहीं है? अभी तो मालूम हुआ है ऐसा बोर्ड है बोल के, एग्जाम भी यहाँ में बहुत सारा लिया है अभी मालूम हुआ। हाँ, तो लास्ट 2018 से लेकर अभी तक इतना जो आप खुद ने एक्सेप्ट किया था, लेटर अपॉइंटमेंट लेटर लेके ईटानगर से आए, उसको एज अ डिस्ट्रिक्ट हेड आपने वेरीफाई नहीं करवाया? एजुकेशन का जो भी आएगा लेटर लेके हमको अपॉइंटमेंट मिला है तो हम तो एक्सेप्ट करेगा ही, वो तो आप वेरीफाई नहीं करते? हम कैसे वेरीफाई करेगा, हाउ कैन आई वेरीफाई आवर हायर अथॉरिटी। यू एक्सेप्ट ना समवेयर कि ऐसा अपॉइंटमेंट लेटर आया था 2018 से? वो बात नहीं है मैडम, आप घुमा फिरा के मत बोलिए, हम सीधा ही आपको बोल रहे हैं। मेरे पास में वॉइस रिकॉर्डिंग है आपका।
मैम आपने जो मैं जितने भी दर्शक हैं मैंने आप सबको बताना चाहूँगी कि जो प्रोसीड्योर्स, क्योंकि 9 से 10 ईयर्स हो चुका है मेरे ये फील्ड में, मैं ज़्यादातर हम कोशिश करते हैं कि इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म हम करते हैं और प्रॉपर प्रोसीड्योर को मैं फॉलो करने की कोशिश करती हूँ। जब इनपुट्स मिला था तब मैम को तब भी मैंने बहुत लाइक पोलाइटली मैंने ईटानगर से कॉल किया था मैम का, बहुत तब भी बहुत रूट था, अभी भी उठ के जा रहे हैं, तब समय को भी उन्होंने बोला था कि रिटर्न में दे दो तब देखेगा, तो रिटर्न में दे दिया। इस तरीके का रेस्पॉन्स आया जो आप सबने देखा, अभी फिर बोल रहा है कि याद नहीं, उनके तरफ से बताया गया कि हाँ इतना सारा अपॉइंटमेंट लेटर लेके आए वो एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन फिर अभी उनको बोल रहा है कि ऊपर जो हायर अथॉरिटी को वो कैसे क्वेश्चन कर सकते। एज अ डिस्ट्रिक्ट हेड आप तो वेरीफाई तो करा सकते हैं ना कि अभी 2018 से अभी तक वोट निकल चुका है तो अपॉइंटमेंट लेटर कैसे करके आए, आप नहीं पूछ सका इसको, आप बताइए। आज भी देखिए अभी जा रहे हैं मैम, अभी बताइए, आप वेरीफाई नहीं कर सकते थे आप ऐसे दीदी जी, आप वेरीफाई नहीं करा सकते थे? नहीं मैडम, ये तो आप खुद भी जानते हैं हम हायर अथॉरिटी को कैसे। नहीं नहीं मैम आप नहीं नहीं, लेकिन देट इज नॉट अंडर माई ज्यूरिडिक्शन। नहीं नहीं, लेकिन वही हम बोल रहे हैं कि मैम आपको पता है कि अरुणाचल प्रदेश में बोर्ड बन चुका है और टीचर्स के लिए होता है, अभी भी देखिए सुबह सवेरे भी ऐसे ही जा रहे थे मैम। कुछ हम गलत आपको कुछ नहीं पूछ रहे हैं, आपको हम लोग कोई गलत नहीं पूछ रहा है, ये अरुणाचल का देखिए किस तरीके से दरवाजा बंद कर रहा है, हम यहाँ पे कोई गलत क्वेश्चंस नहीं कर रहे हैं। अब मैम आपको हम सीधा क्वेश्चन कर रहे हैं, आपको हम घुमा फिरा के भी क्वेश्चन नहीं कर रहे, जो आपने बोला जो आपने हमको यहाँ में रेस्पॉन्स दिया उसको ही पूछ रहे हैं, तो आप इसमें आंसर देने में क्या आपको प्रॉब्लम हो रहा है? आपको हम सीधा पूछा है कि रीज़न क्या है बता दीजिए, आप नहीं दे सकते और जो डॉक्यूमेंट्स है या इन्फॉर्मेशन डिटेल आप नहीं दे, वो रीज़न सिर्फ बता दीजिए ना आपको कि आप दीजिए, आप डिस्ट्रिक्ट का नहीं आप नहीं रहे हम नहीं दे सकता, ये सीधा बात है। नहीं 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 मैम मैंने इंडिविजुअल का नहीं मांगा था, अगर नहीं 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 आप नहीं 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 आप कुछ सोचिए कि हमने किसी का पर्टिकुलर नाम नहीं बोला, गलती कर दिया तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। नहीं नहीं गलती का बात ही नहीं है मैम, गलती नहीं नहीं आप क्यों नहीं दे सकते वो सिर्फ बताइए आज, ये क्योंकि बहुत दिन से मैं पहले भी बता रही हूँ हम प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करते, दूसरे जिस तरीके से रिपोर्टिंग करते हम उसे नहीं करते हैं, लेकिन मैम है कि हमारे साथ कोऑपरेशन करने रेडी नहीं है। अब मैम अगर आप ऐसे करेंगे तो इससे मतलब आदमी का अंदर जितना जो दर्शक देख रहा है अरुणाचल के लोग उनका ऊपर और डाउट्स आएगा कि आपने कहीं ना कहीं गलती किया, कहीं ना कहीं नामसाई में जो इनपुट्स हमें मिला है वो कहीं ना कहीं सही है। आप हमको बताइए क्यों नहीं दे सकते, सिर्फ रीज़न बता दीजिए, क्योंकि जो मैम लेटर आपको यहाँ पे हम लोग ने सबमिट भी किया, आपने एप्लीकेशन सबमिट करो बोला था, वो एप्लीकेशन सबमिट करने में भी कहीं में भी पर्टिकुलर आदमी का हम लोग ने नाम नहीं लिखा, और ये है लेटर जो हमने प्रिंट आउट करा है मैम को, हमने ऑफिस में दिया रेस्पॉन्स मैम आपने किया है, लेकिन मैम मेरा 9-10 ईयर्स का जर्नलिज्म है, इतना एक लाइन का रेस्पॉन्स हमने कभी भी नहीं देखा है मैम। आप हमको बताइए रीज़न क्या है कि आप नहीं दे सकते, आपने यहाँ में इंडिविजुअल पर्टिकुलर्स हम लोग नहीं दे सकता है मैडम, क्योंकि आजकल तो सबका यही है, हम लोग किसी का भी पर्टिकुलर्स नहीं देते हैं। नहीं आप पर्टिकुलर्स तो पर्टिकुलर आप नहीं दे सकता है बोला मैम, लेकिन हमने तो यहाँ में किसी पर्टिकुलर को पूछा ही नहीं, किसी का नाम दिया ही नहीं हमें मैम, जो हम लोग को इनपुट्स मिला था तो हमने जस्ट वेरीफाई करने के लिए आपसे पूछा, आपको हमने रिक्वेस्ट किया कि 2018 से लेकर अभी तक का जो आया है अपॉइंटमेंट लेटर, उस जो आया है यहाँ में ज्वाइन किया उसका हमने पूछा था, तो आप सीधा क्यों अरे 20 का ये आप बोल रहे हैं, कितना तो अपॉइंटमेंट हो रहा है उसका। तो नहीं मैम, लेकिन मैम आपको याद आता है वो तो कौन सा का दिया है कौन जानता है। नहीं लेकिन आपको मैम आपको याद होगा कि 2018 से लेकर अभी तक PRT टीचर का अभी तक वो नहीं हुआ है इंटरव्यू, MTS का भी लास्ट ईयर से होना शुरू किया है। नहीं आपको मालूम है ना, आप जहाँ से मालूम कर सकते हैं वहाँ से कीजिए, हम तो डिस्ट्रिक्ट का है। हाँ डिस्ट्रिक्ट का तो डिस्ट्रिक्ट का इन्फॉर्मेशन मैम आप नहीं देगा तो कौन, जो हम इंटरव्यू लेते हैं वो तो हम लोग लेता ही है। नहीं लेकिन मैम डिस्ट्रिक्ट भी आपको मालूम है, मैंने वो गैस फैकल्टी का इंटरव्यू लिया है वही तो डिस्ट्रिक्ट। नहीं मैम हम बस मैं हम इतना ही जानना चाहिए, नहीं ईटानगर का नहीं मैम बोल रहा, यहाँ पे 2018 से लेकर अभी तक कौन आया मैम वही बता दीजिए ना, जो अपॉइंटमेंट हुआ है उसका लिस्ट चाहिए तो हम लोग दे सकते हैं, लेकिन तो अभी ये बोलना से जो हुआ है वो तो ईटानगर में पूछिए आप,
2020 को आप यहाँ में ज्वाइन किया था, तब से लेकर आपने तो कितना लोगों को अपॉइंटमेंट रिसीव किया है? इधर में गेस्ट फैकल्टी का होता है, समग्र शिक्षा का होता है। मैम गेस्ट फैकल्टी के लिए हम लोग बात नहीं कर रहे, रेगुलर का बात कर रहे हैं। जो अपॉइंटमेंट नहीं आपका बात नहीं कर रहे मैम, जो अगर अपॉइंटमेंट अपॉइंटमेंट नहीं करता है यहाँ से और कोई इंटरव्यू भी नहीं हुआ है मैम, जो अपॉइंटमेंट लेटर लेके आते हैं उनको आप क्रॉस चेक नहीं कर आता है ना मैडम, वो तो कोई है जैसे समग्र शिक्षा से रेगुलर होगा वो लोग। मैं फिर से मैं बताना चाहूंगी, यहाँ पे ना ही हम समग्र एसएसए टीचर्स के बारे में बात कर रहे हैं, ना ही कॉन्टीजेंसी या कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स के बारे में बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं रेगुलर टीचर्स और जो नॉन टीचिंग स्टाफ्स के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन मैम यहाँ मैं फिर से डाइवर्ट कर रहे हैं, एसएसए टीचर, हम एसएसए टीचर के बारे में बात नहीं कर रहे मैम। रेगुलर टीचर मैंने अपॉइंट नहीं किया, आपने अपॉइंट नहीं किया, लेकिन यहाँ पे आया था ना विद अपॉइंटमेंट। हाँ वो जो आता है वो ईटानगर से आने वाला को हम लोग यहाँ में पोस्टिंग देता है, कोई कोई तो मेरा अंदर में भी नहीं आता है, कोई कोई डीडीओ है उसमें भी आता है। तो हम जो अपॉइंटमेंट दिया है वो समग्र शिक्षा में दिया था, अभी वो भी बंद हो गया। अभी गेस्ट फैकल्टी लास्ट ईयर में दिया है, अभी भी हम लोग इस बार का हम लोग कर रहे हैं, उतना ही है मैडम, और तो नहीं है कुछ नहीं। वही बोल रहा मैम, आपने अपॉइंटमेंट दिया, हमने बोल रहे हैं ना जो आया है ज्वाइनिंग करने के लिए विद अपॉइंटमेंट लेटर, उसको उसका उसका लेकिन आप क्यों फर्निश, आप अगर इतना वन लाइन रिप्लाई दे सकते व्हाई डोंट यू राइट द रीजन? रीजन नहीं है तो क्या देगा मैडम? नहीं रीजन होना पड़ेगा ना, रीजन होना पड़ेगा। आप हमको क्यों नहीं दे सकते? एम आई टेररिस्ट? एम आई टेररिस्ट हम क्या, हम कुछ है क्या? लेकिन आजकल तो सबका अपना अपना वो होता है ना। नहीं मैम यहाँ पे हमने कहाँ पे आप पर्टिकुलर नाम किसका नाम को हमने मेंशन किया है कि उसका बारे में देना, आप बताइए हमको कहाँ में इंडिविजुअल आदमी का नाम मेंशन किया है, कहाँ में इंडिविजुअल का नाम? आप यहाँ में बोल रहे हैं इंडिविजुअल, हम इंडिविजुअल किसी का मांगा ही नहीं, हम तो पूरा डिटेल मांगे। नहीं आजकल वो थोड़ा आरटीआई में भी सेक्शन है ना, किसी का पर्टिकुलर पता से दूसरा को नहीं देना है। मैम हम तो ओवरऑल बोल रहे हैं। नहीं ओवरऑल होने से भी तब तो क्या करेगा, अभी हम नहीं तो देन मैम उस समय को आपने आप जबरदस्ती हमको दो भी नहीं बोल सकते मैम, जबरदस्ती नहीं किया मैम। मैम चलिए नहीं नहीं आई नो, इसीलिए तो बोल रहे मैम यू आर द हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, तो आपसे नो मैम, सो ऑब्वियसली मैम इफ यू आर नॉट आंसरिंग मी ऑब्वियसली आई विल गो टू द हायर अथॉरिटी। बट मेरा ये कहना है अगर आप बोल रहे हैं कि रिटन में दिया है तो हम नहीं दे सकते एंड आई डोंट हैव रीजन, देन व्हाई डोंट ओके फाइन, देन आपने उस समय को क्यों नहीं बोला कि आरटीआई करो, आपने क्यों बोला एप्लीकेशन सबमिट करो हम दे देंगे? आपका मर्जी है, आप क्या चीज का मांग रहे हैं, आप कैसे एप्लीकेशन देगा? How can I dictate you? No. You said na. Nahi. Ma'am, nahi. Now the process is... अभी मैं बताना चाहूंगी मैम, अभी टॉपिक डाइवर्ट कर रहा है मैम। उस समय को मैंने क्लियरली बोला था मैम ऐसे ऐसे कुछ इनपुट्स मिला है, कैन आई गेट द डिटेल? व्हाट यू सेड कि एक रिटन एप्लीकेशन डीडीएससी ऑफिस नामसाई में सबमिट करो, मैंने सबमिट कर दिया, नाउ यू आर सेइंग, और यहाँ में जो कारण हम पूछ रहे हैं कि क्यों नहीं दे सकते मैम, अभी बोल रहा है कि आरटीआई मारो। अगर मैम ऐसा था तो आप पहले बोल देना चाहिए था, व्हाई डू आपने क्यों मेरा टाइम वेस्ट किया और खुद का भी टाइम वेस्ट किया? नहीं वो तो आप जानते हैं मैडम, हम आपको कैसे डिक्टेट करेगा? नहीं हम आपको कैसे बोलेगा कि आप इसके इसमें जाओ उसमें जाओ? हाउ कैन आई से? क्योंकि आप बोल रहे हैं कि आपके पास की कारण नहीं है कि क्यों नहीं देना, आप बता रहे, आप कुछ बोल रहे हैं, हमने इसे पूछा है कि हमें कारण क्यों नहीं देना? अभी भी कारण चाहिए तो वो तो हमको ढूंढना पड़ेगा क्या कारण है। हम इसलिए नहीं दे रहा था, हम लोग बहुत बिजी है, हर समय हम लोग को डाटा फेच करना पड़ता है मैडम। आपके लिए बच्चों का फ्यूचर से ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या चीज आ गया मैम, हम जानना चाहेंगे क्या इम्पोर्टेंट है? इस तरह से आप मत बोलिए ना। नहीं मेरा बच्चा का फ्यूचर के लिए तो हम लोग काम कर रहे हैं, तो आप मैं हम भी बच्चों का अरुणाचल का फ्यूचर के लिए हम लोग भी काम कर रहे हैं, जो करप्शन हुआ है उसको रुकाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो आप ऐसे नहीं बोल सकते कि मैम हम बहुत बिजी था, तो आप हमको बस लास्ट हमको बता दीजिए, क्योंकि सवेरे से हम रुक रहे हैं, जैसे मैंने बताया कि सिंस 2021 हम रिपोर्ट तो बना ही रहे हैं, लेकिन जब हमें इनपुट्स मिला नामसाई का तब मैंने थ्रू टेलीफोनिक बहुत पोलाइटली मैम से बात की थी, मैं और मैम ने जो बोला रिटर्न में देने के लिए मैंने दिया, और अभी मैम का तरफ से बोल रहा है कि शी डजंट हैव एनी रीज़न कि वो क्यों फर्निश नहीं कर सकता है। मैम हम बस आप क्योंकि अभी फिर निकल रहे हैं, देखिए मैम आप बता दिया, हाँ मैं भी सुबह से आपके लिए रुक रही थी मैम 10 बजे से, क्योंकि इंटरव्यू चल रहा था। आप हमको बस इतना बता दीजिए हमको द हायर अथॉरिटी के पास जाना है ना? नहीं वो हम नहीं बोलेगा। आप ये लेटर का रीजन बताइए कि व्हाई कैन नॉट यू कैन नॉट फर्निश दिस मैम? नहीं आजकल आरटीआई है, आप आरटीआई कीजिए, हम रिप्लाई। चलिए जो अभी जा रहे हैं मैडम वो है डीडीएससी नामसाई, के एस उम्बोन डीडीएससी नामसाई,
जैसे अभी बताया और उन्होंने जिस तरीके से रेस्पॉन्स किया है आप सबने देखा। कहीं ना कहीं कहते हैं ना दाल में कुछ काला है, लेकिन यहाँ पूरा दाल ही काला है और हम ये चीज़ को पता लगा के ही छोड़ेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जो उनका लेटर है उसमें रीज़न नहीं देगा। रीज़न के लिए बात कर रहे हैं तो वो टॉपिक को ही डाइवर्ट कर रहे हैं, कभी क्या निकाल के आते हैं क्या निकाल के आते हैं। तो हम क्योंकि अभी यहाँ से कुछ रेस्पॉन्स आया नहीं, उनके तरफ से कुछ कहा गया नहीं, लेकिन उनके बॉडी लैंग्वेज से उनके जो आंसर हमें दिया गया है उससे आप सबको पता चल रहा होगा कि पूरा दाल ही काला हो सकता है। तो हमारे साथ बने रहे। हम ये इलीगल अपॉइंटमेंट जो हुआ है नामसाई डिस्ट्रिक्ट में, जो हमें इनपुट्स दिया गया था उसको लेकर हम आखिर तक स्टोरी फॉलोअप करेंगे और हायर अथॉरिटी में जाएंगे और पता लगाएंगे। हमारे साथ बने रहे।